हेलो वांशी लवर्स एंड निशा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आपको मेरी इस वीडियो का बहुत वेट था और मैंने इसे अपलोड करने में लेट कर दिया। मैं जानती हूँ। और गाइस थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। आपके इतने प्यारे कमेंट्स को पढ़कर ना मुझे सच में लगता है कि मैंने इस चैनल को बनाकर कोई गलती नहीं की। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे इस चैनल को बनाने में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने तो बस बहुत ही मुश्किल से टाइम, बहुत ही हिम्मत जुटा के इस चैनल को बनाया था, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि आप लोग को मेरी वॉइस पसंद आएगी, मेरे एफएफ पसंद आएंगे और क्या आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे कि मैं कुछ दिन में मैं एक दिन अपलोड ना करूँ, एक दिन करूँ। तो मेरे मन में बहुत डाउट था, पर अब मुझे सब डाउट क्लियर है और मुझे मेरी ये छोटी सी फैमिली को मुझे पा करने में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सब मेरी छोटी सी फैमिली है। तो गाइस थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे समझने के लिए और मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सारी बातें हो गई है ना, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो चलिए आज का भी ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, हो सकता है ये पार्ट थोड़ा सा सैड हो, तो प्लीज़ आप सब अपने दिल को संभाल लीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि आपके प्यारे प्यारे दिलों को कुछ हो, समझे ना, इसीलिए अपने दिल का अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए आज का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारा शौर शिनचान जगह जगह घूम घूम कर हमारे ईबो को ढूंढ रहा है और उसे ईबो कहीं मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद बॉडीगार्ड्स आके कहते हैं कि कोई यंग मास्टर को लेके गया। शौजान सभी वहाँ खड़े शॉक हो जाते हैं। शौजान जल्दी से आकर बॉडीगार्ड का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे रहते हुए उसे कौन लेके जा सकता है, क्या कर रहे थे तुम सब? तब सब बॉडीगार्ड्स अपने घुटनों पर आके बैठ गए और कहा, मास्टर यकीन कीजिए हमने उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहा, पर वो सब बहुत सारे लोग थे और हम उन्हें नहीं बचा पाए। तब हमारे शौजान ने कहा, तो क्या तुमने जानते हो कि वो कौन है, कैसे दिखते हैं, कुछ तो पता होगा उनके बारे में? तब बॉडीगार्ड्स ने कहा, नहीं वो सब अपने चेहरे कवर करके आए थे और यंग मास्टर को अपने साथ बेहोश करके वो लेके गए और यंग मास्टर भी कुछ नहीं कर पाए। शौजान बहुत ज़्यादा डर गया था। शौशिनचान ने उसे पकड़ते हुए कहा, शौजान शांत हो जाओ, ये वो कुछ नहीं होगा। यानली और लानी दोनों जल्दी से शौजान के पास दौड़ कर आएगा, शौजान संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा ईबो को। शौजान ने कहा, ईबो मैंने कैसे उसे अकेले जाने दिया, सब मेरी गलती है, मैं बस उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहता था, मैं नहीं चाहता था मैं उसकी फ्रीडम को बाउंड करूँ और इसलिए मैं उसके साथ नहीं गया। पर ये सब डफर, वो बॉडीगार्ड्स की तरफ गुस्सा करते हुए कह रहा था, तुम सब इतने सारे थे और ईबो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, न जाने किस चीज़ की तुम लोग पैसे ले रहे हो, मैं दिमाग मत खराब करो, मुझे ईबो दो दिन के अंदर अंदर मुझे उसके बारे में जानना है, वरना मैं तुम सबको मार डालूँगा। यानली ने कहा, शौजान शांत हो जाओ। तब शौजान ने कहा, मम्मा कैसे शांत हो जाओ, मैं मेरा ईबो कहीं मिल नहीं रहा और कोई इसको किडनैप करके लेके गया उसे, मैं उस पर्सन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सच में। शौशिनचान का, शौजान शांत हो जाओ, उसने पूरी सिचुएशन को संभालते हुए कहा। शौजान तुम और शौंगलान और जियानजन तुम तीनों जाओ और पूरी सिटी में जहाँ भी तुम्हें हो सके तुम उसे ढूंढो। मैं ब्रदर लैन से चैन हम दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और बॉडीगार्ड्स तुम सब भी, तुम्हें जहाँ भी कुछ भी लगे तुम जाओ उसे ढूंढो। तब सोंगलान ने कहा, नहीं मैं अपने तरीके से ढूंढूंगा, ईबो को कुछ भी नहीं होगा। तब हमारे शौजान ने कहा, सोंगलान तुम एक माफिया किंग हो, तुम अंडरवर्ल्ड के किंग हो, प्लीज़ मेरे ईबो को ढूंढ के निकालो, मैं उस पर्सन की हड्डियों को तोड़ दूंगा जिसने मेरी ईबो की तरफ आँख उठा के भी देखा, उसकी आँखों को मैं निकाल दूंगा, उसने मेरी ईबो की तरफ देखने की हिम्मत भी कैसे की। तब हमारे शौजान और सोंगलान एक दूसरे की तरफ देखा और
फिर सोनलैंड ने कहा, ब्रदर आप फिक्र ना कीजिए, मैंने पौधों को ऊपर पहुंचाया है और इस पर्सन को तो मैं स्पेशली टॉर्चर करने वाला हूँ, उसने मेरे ब्रदर की वाइफी को आग उठाकर भी कैसे देखा, मैं माफिया के कैसे ही नहीं हूँ, वो बहुत ज़्यादा सरकास्टिक टोन में कह रहा था। और शाहजहान को इससे थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि क्योंकि वो जानता था उसका ब्रदर को फाइटिंग कितनी अच्छी लगती है, वो फाइटिंग में कितना ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको बताया था अल्फ़ा इवेंट के दौरान क्या हुआ था, तो इसलिए शाहजहान को कन्फर्म था कि ज़रूर इबो मिल जाएगा, पर अभी उसका दिल बेचैन हो रहा था, पता नहीं क्यों उसे फील हो रहा था कि इबो ठीक नहीं है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे से इबो की तरफ। इबो, ये सीन उस समय का था जब इबो बैठ के गेम खेल रहा था अपने फ़ोन में, उसे अपने पीछे कुछ हलचल फील तो हो रही थी पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि वो गेम खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी था। आपको तो पता ही है लड़के जब गेम खेलते हैं तो कितने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, मेरा भाई खुद जब गेम खेलने बैठ जाएगा ना तो एक काम भी नहीं सुनता, बहरा हो जाता है पूरा। और इबो भी बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल भी उसे एहसास नहीं हुआ। और जो किडनैपर्स है उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, उन्होंने तुरंत इबो को बेहोश कर दिया और एक वैन में बैठाकर उसे ले गए। हमारे इबो की आँख खुली कुछ घंटों बाद, तब उसने फील किया कि वो बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये उसका बेड तो नहीं है। उसने अपनी आँखें खोली और चारों तरफ देखा, उसकी हाथ बंधे हुए थे और पैर भी, वो एक बेड पर कंफर्टेबली तो नहीं पर हाँ वो लेटा हुआ था। वो इधर उधर देख रहा था, आखिर रिकॉग्नाइज करना चाहता था कि आखिर ये कौन सी जगह है, वो पहचानना चाहता था कि आखिर वो कहाँ है। तब दो पर्सन अंदर आए, हाँ वो पर्सन और कोई नहीं मैंग्याओ और शुशे थे। तब इबो ने कहा, शुशे मैंग्याओ आप दोनों यहाँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे छोड़िए। तब मैंग्याओ हंसते हुए कहा, तुम्हें छोड़ दूँ, सच में तुम तो मेरे रास्ते के कांटा हो और मुझे अपना रास्ता क्लियर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्लियर करना होगा। वैंग इबो, वो बहुत गुस्से में बोला। इबो डर गया था, आखिर वो इन पर्सन को ज़्यादा अच्छे से जानता भी नहीं था, मैंग्याओ को तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ शुशे को वो जानता था। तब शुशे ने कहा, माई लिटिल ओमेगा तुम्हें पता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक तुम्हारा अल्फा यानी कि शुशे यहाँ है। इबो ने कहा, तुम मेरे अल्फा नहीं हो। तब शुशे ने कहा, स्टबन बनने की कोशिश भी ना करना क्योंकि अब तुम सिर्फ और सिर्फ यहीं रहोगे और कैद रहोगे। तब इबो ने कहा, तुमने मुझे किडनैप किया है, शुशे अभी कभी मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा, अगर शाहजहान को पता चला ना तो वो तुम्हें मार ही डालेगा। तब शुशे ने हंसते हुए कहा, पता चलेगा, पर कैसे पता चलेगा, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को भी तो मैंने अच्छे से मारा है, मेरे आदमियों ने उन्हें बहुत अच्छे से धुलाई की है और जब तक उसे पता चलेगा मुझे नहीं लगता कि तुम उसके पास जाने की हालत में रहोगे। ये बनेगा, कहना क्या चाहते हो, क्या करने वाले तुम? तब शुशे ने कहा, ऑफ कोर्स माई जान बेबी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम इतने ज़्यादा स्वीट हो, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें मुझे टेस्ट करना है। इबो डर गया था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये सब, अभी तो किसी से भी नहीं। शुशे उसके करीब बढ़ने लगा, इबो पीछे जा रहा था पर वो बेड से टकरा गया। शुशे ने कहा, आह ओमेगा माई लिटिल ओमेगा, इतना डर क्यों रहे हो तुम्हारे अल्फा से? तब इबो ने क्राई करते हुए कहा, पर मैं मांग दूँ, शाहजहान मेरा अल्फा है, तुम नहीं। तो शुशे ने गुस्से में उसके बालों को खींचते हुए कहा, मैंने कहा मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तो शाहजहान के बारे में कहना मेरे सामने बंद करो इबो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जल्दी से मैंग्याओ आया और कहा, रुको तुम तो उससे प्यार कर दो ना, तो इतनी जल्दी उसे मारने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर बाद उसे मार लेना, पहले उसके साथ वो सब तो कर लो जो तुम करने के लिए उसे यहाँ लाए हो। तब शुशे ने स्माइल करते हुए कहा, गुड। उसने इबो की तरफ देखा, उसकी
उसकी स्माइल एकदम डेविल वाली थी और हमारा प्यारा इबो वो डर गया। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो कंटिन्यूसली बस चान को पुकार रहा था, कंटिन्यूसली वो बस चान को याद कर रहा था। और धीरे 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 हमारे शाहजान को भी ये कहीं ना कहीं फील हो रहा था, हाँ हमारा इबो और जान एक दूसरे को क्लेम तो नहीं किया पर जान ने इबो को क्लेम किया है। इसीलिए अगर इबो कॉन्सेंट्रेट करे, अगर वो अपने पूरे दिल से पूरे प्यार से अगर शाहजान को बुलाए तो शाहजान उसके दिल की बातें सुन सकता है। बॉन्ड मेट्स एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं जो फेटेड पर्सन्स होते हैं। अभी इबो ने भले जान को क्लेम नहीं किया इसीलिए जान इबो से बातें नहीं कर पाएगा, इबो जान की बातें नहीं सुन सकता, पर इबो की बातें जान सुन सकता है। और इबो इस बात को नहीं जानता था कि क्या वही फेटेड पर्सन है, पर वो कंटिन्यूसली जान को कॉल कर रहा था, बुला रहा था। और जान के दिल में कहीं ना कहीं मानो वो उस आवाज़ को फील कर पा रहा था, इबो की आवाज़ उसके पास जा रही थी। उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। यानली ने उसे संभालते हुए कहा, शाहजान शांत हो जाओ, इस तरीके से मत रो। तब शाहजान ने कहा, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, वो किस हालत में है, मुझे डर लग रहा है मम्मा, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, मुझे डर है कि कहीं कोई उसे हर्ट ना कर दे, अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि इबो को कोई भी फोर्सफुल हो, पर मैं नहीं जानता वो पर्सन कौन है, अगर वो मेरे हाथ आ गया ना तो सच में मैं उसकी जान ही ले लूँगा। यानली और लानी दोनों ही शाहजान के पास थे, उन्होंने शाहजान को कहीं जाने नहीं दिया था क्योंकि यानली जानती थी शाहजान जिससे भी प्यार करता है ना वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वो पागल है और इबो के लिए तो वो पूरा ही क्रेजी है, एकदम मैड है। और अगर इबो को कुछ हुआ तो शाहजान पूरी दुनिया को भी ख़त्म कर सकता है। शाहजान खुद को शांत कर रहा था पर वो कितना शांत होता, उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था जैसे जैसे पल बीत रहे थे, घंटे बीत रहे थे। और यहाँ इबो के सामने शुशे था, उसने कहा, इबो तुम तो अभी बहुत ज़्यादा मैसी दिख रहे हो, मैं ऐसे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, ऐसा करो तुम पहले खा लो और फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर सो लो, उसके बाद हम दोनों कंटिन्यू करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इंजॉय करो। वो शाहजान जिस तरीके से तुम्हें टच करता है ना इबो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शुशे ने इबो को हाथ को बहुत तेज से पकड़ा था, बहुत टाइटली, इबो के हाथ बंधे हुए थे और जब शुशे ने उसे खींचा तो वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे और शुशे उसे बहुत ज़्यादा खींच रहा था जिसकी वजह से इबो के हाथ से खून आने लगा था। तब शुशे ने कहा, अगली बार से उस जान का नाम मेरे सामने मत लेना वरना मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता, तुम्हें पता है ना मुझे जो चाहिए मैं पा लेता हूँ, और अब इबो मुझे तुम चाहिए, मुझे इबो चाहिए, मुझे तुम्हें अपना बनाना है पूरी तरीके से और तुम्हें मैं अपना बना के रखूँगा। इबो बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था और यहाँ जान की भी कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, बहुत ज़्यादा पेन में था, बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल भी पेन बेयर नहीं कर पा रहा था। शाहजान चन और लैंसी चन तो पुलिस को इन्फॉर्म करके वापस आ चुके थे और जियांग चन और सॉन्गलैन अभी भी अपने लोगों के साथ इबो को ढूंढ रहे थे पर इबो का कुछ भी पता नहीं चला था, 5 घंटे बीत चुके थे पहले ही और जान अपना कंट्रोल खो रहा था। और तब 5 घंटे बाद जब इबो सो के उठा, उसने खाना खाया था और अपने आप को क्लीन किया था, वॉश किया था और बाथ भी लिया था क्योंकि वो अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे शुशे उसके साथ कुछ भी गलत करे, तो वो चुपचाप उसकी बातें मान रहा था। पर उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो उठा तो क्या होगा, इसीलिए उसने आँखें बंद किए हुए था। वो जान को बार बार पुकार रहा था, बार बार बुला रहा था, जान सुनो मैं गया और शुशे, वो ऐसे बार बार रिपीट कर रहा था। वो तो नींद से जाग चुका था और उसने फील किया कि
कोई तो कमरे में आ रहा है। और तब सुशे ने कहा, माय लिटिल सी बेबी, कैसे हो? अभी तो तुम उठे नहीं। मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ, पर अभी तो तुम सो रहे हो। कोई नहीं, जब तुम उठोगी ना तब हम करेंगे। इस पर तो इबर डर गया। वो उसने अपनी आँखें और टाइटली बंद कर ली। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुशे को पता चले कि वो उठ चुका है। बस वो अपने मन में बार 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 श्वसन को बुला रहा था। तो हेलो एंशियस लवर्स एंड एजेंट लवर्स, गाइस मैं जानती हूँ ये पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग रहा है ना, मैं जानती हूँ। तो हम लोग कल देखते हैं कि क्या ईबो की आवाज़ जान तक पहुँचती है और जान हमारी प्यारे से ईबो को कैसे बचाता है। तो गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज लव वांगशे एनी जन। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।